सफाई कर्मचारियों को मूल पद पर लगाने व स्वायत्त शासन विभाग के आदेश की पालन की मांग को लेकर आज सफाई कर्मचारी चीरा कलेक्टर से मिले। कलेक्टर ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि नगर निगम के आयुक्त को बुलाकर बात करते हैं। कर्मचारी नेता शिवलाल तेजी ने जिला प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 4 बजे तक हमारे पास जिला प्रशासन से कोई सकारात्मक फैसला आ जाता है तो ठीक है, वरना कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों की मांग है कि 2018 में नगर निगम में भर्ती हुए कर्मचारियों में से 200 कर्मचारी को मूल पद पर न लगाकर किसी अन्य पद पर लगा दिया गया है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। कर्मचारी नेता शिवलाल तेजी के अनुसार स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि 2018 में भर्ती हुए सफाई कर्मचारियों को किसी अन्य पद पर न लगाकर मूल पद पर लगाया जाए, लेकिन बीकानेर नगर निगम आयुक्त इस आदेश की अनुपालना करे, जिसको सफाई कर्मचारी वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कलेक्टर साहब को हमने पूरी डिजिटली से अवगत करा दिया है और उन्होंने ये कहा है कि मैं कमिश्नर को अभी बुला के उससे बात करता हूँ। हमने ये तय किया है कि 4 बजे तक हमारे पास जिला प्रशासन के द्वारा कोई सकारात्मक फैसला आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो 4 बजे हम सब लोग अपनी अपनी हाजिरी पर बैठेंगे और हाजिरी लगा के बैठे रहेंगे, काम नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे।